देखेंगे क्या, रीडिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रेशन मतलब जो भी हमने वो पोएम में पढ़ा उसे हमने क्या समझा, उससे रिलेटेड हमें क्या मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, हमसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके हम क्या देंगे आंसर्स। तो पहला क्या है हमारा, हु डज आई स्टैंड फॉर द टाइटल, है ना, जिसमें हमने पढ़ा है पपी एंड आई। तो पपी एंड आई में क्या है, है ना, वो पपी को बोल रहा है या फिर मैन को बोल रहा है, वो आई किसके लिए स्टैंड कर रहा है, किसको दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई स्टैंड फॉर द लिटिल बॉय इन द टाइटल। ठीक है, जो टाइटल है पपी एंड आई वो किसको दर्शा रहा है आपका, आई, आई है एक छोटे से बच्चे के लिए। ठीक है, फॉर द लिटिल बॉय के लिए वो दर्शा रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द चाइल्ड टॉक टू एवरी वन ही मीट्स ऑन हिज वे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो वो बच्चा है वो जो भी उसके रास्ते में मिल रहे थे उससे वो क्यों बात कर रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, द बॉय वॉन्ट्स टू नो वेयर एवरी वन वॉज गोइंग टू, सो ही टॉक्स टू एवरी वन ही मीट्स ऑन हिज वे। ठीक है, वो जानना चाह रहा था कि जो भी उसके रास्ते में मिल रहे थे वो कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो सबसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली वो जानना चाह रहा था कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कितना बिजी है, अगर कोई बिजी नहीं है तो वो उस बच्चे के साथ खेल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द चाइल्ड एग्री टू गो विद द पपी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसने मैन से पूछा था, उसने मना कर दिया, है ना, मैन ने उससे पूछा था, वुमेन ने उससे पूछा था, रैबिट ने पूछा था, हॉर्स ने पूछा था उसको अपने साथ चलने के लिए, लेकिन सबको उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन जब पपी ने पूछा कि चलो मेरे साथ, तो वो हाँ बोल देता है। तो आपसे रीज़न पूछ रहा है कि वो पपी के साथ जाने के लिए क्यों रेडी हो जाता है। तो आंसर क्या है, The puppy said that it was going to roll in place, so the child agreed to go with the puppy. ठीक है, क्योंकि पपी ने क्या बोला कि वो कहाँ जा रहा है, पहाड़ों में जा रहा है, पहाड़ों में जा रहा है जहाँ वो क्या करेगा, खेलेगा, है ना। तो वो खेलने वाला था और बच्चा भी क्या चाह रहा था, खेलना चाह रहा था, इसलिए वो पपी के साथ जाने के लिए क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। एग्री मतलब होता है मान जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाई डज द चाइल्ड ऑलवेज से नो नॉट आई। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जब हमने पोएम पढ़ा था तो हमेशा जैसे मैन उसे पूछ रहा है चलो मेरे साथ, तो बोलता है नो नॉट आई, तो वो क्या बोलना चाह रहा है और वो क्यों हमेशा बोलना चाह रहा था। तो आंसर क्या है, द चाइल्ड डजंट वॉन्ट टू गो विद द एनी वन सो ही सेज नॉट टू दैम। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि वो कोई क्या बोलते ब्रेड लेने जा रहा है, कोई ओट्स लेने जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसको नहीं लेने जानी थी, इसलिए वो जितने भी उनसे पूछते हैं कि चलो मेरे साथ, तो वो क्या बोलता है नो। ठीक है, सो ही सेज नो टू दैम, तो वो सिंपल सा क्या बोल रहा है, नहीं, है ना, कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द नेम ऑफ ऑल थोज हु सेड विल यू कम विथ मी अस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ऐसे पोएम पढ़ा है तो सबने बच्चे से पूछा था, चाइल्ड से पूछा था कि चलो हमारे साथ, तो जिस जिन लोगों ने क्या बोला था, पूछा था बच्चे से, ठीक है, उसको आपका लिस्ट बनाना है। तो आंसर क्या है हमारा, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल थोज हु सेड विल यू कम विथ मी और अस। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट दे दिया गया है, ठीक है, जो क्या बोल रहे थे, बच्चे को बोल रहे थे कि चलो हमारे साथ या फिर चलो मेरे साथ। ओके, तो आंसर है अ मैन, अ हॉर्स, अ वुमेन एंड सम रैबिट्स। ठीक है, तो ये क्या था आपका, यहाँ पर मी मतलब कि मेरे साथ, अस यानी कि हमारे, जैसे यहाँ पर रैबिट्स है तो रैबिट बहुत सारे थे इसलिए उसके लिए अस। ठीक है, तो एक आदमी ने पूछा था, एक औरत ने पूछा था, हॉर्स ने, घोड़ा ने पूछा था और कुछ खरगोशों ने पूछा था। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वेश्चन दैट द चाइल्ड आस्क्स एवरीवन ही मीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि कभी भी वो बच्चा जा रहा था, किसी से भी रास्ते में मिल रहा था, तो वो कौन सा एक क्वेश्चन हो जो सभी से वो पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, द ओनली वन क्वेश्चन दैट द चाइल्ड आस्क्स एवरीवन ही मीट्स इज वेयर आर यू गोइंग टू। ठीक है, वो किसी जो एक क्वेश्चन है वो जो जिससे भी मिलता था वो पूछता था वो है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, है ना, वेयर आर यू गोइंग टू, आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा राइट द आंसर हियर गेट्स टू हिज क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने सबसे पूछा था, मैन से पूछा था, हॉर्स से पूछा था, वुमेन से पूछा था, रैबिट से पूछा था, इवन पपी से भी पूछा था, तो उसके बदले में उसे क्या आंसर्स मिले वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है।
तो आंसर्स हो गए, द चाइल्ड गेट द फॉलोइंग आंसर टू हिज क्वेश्चन, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन किया था उसमें से जो आंसर्स उसे मिले वो कुछ इस प्रकार से हैं। अ मैन सेज, है ना, एक आदमी ने क्या बोला था, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ विलेज के ताकि मैं कुछ ब्रेड लेके आ सकूँ, है ना, ब्रेड मीन्स होता है डबल रोटी। फिर अ हॉर्स सेज, हॉर्स ने क्या बोला था, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, तो फिर बोलता है कि मैं तो विलेज की मतलब कि नीचे में विलेज गाँव की तरफ जा रहा हूँ ताकि मुझे सूखा घास मिल सके। फिर अ वुमेन सेज, है ना, औरत क्या बोलती है, डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ली, ठीक, तो वो बोलती है कि मैं गांव की तरफ जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ ताकि मुझे क्या ले सकूँ, मैं बार्ली ले सकूँ। फिर सम रैबिट सेज, है ना, तो रैबिट क्या बोलता है, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं विलेज में ताकि हमें क्या मिल सके, ओट्स मिल सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द ओपनिंग लाइन ऑफ इस सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, जो भी आपका लाइन है ना, एक एक पोएम का शुरू शुरू लाइन है उसका आपको क्या करना है, ओपनिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, चलिए देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले हमको क्या लिखना है उसमें, आई मेट अ मैन एज अ वेंट वॉकिंग, ठीक है, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, आई मेट अ हॉर्स एज अ वेंट वॉकिंग, ये दूसरा सेंटेंस है, मतलब कि पैराग्राफ, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, आई मेट अ मैन एज अ वेंट वॉकिंग, सेकेंड आई मेट अ हॉर्स एज अ वेंट वॉकिंग, एंड देन फिर क्या हो जाएगा आपका, आई मेट अ वुमेन एज आई वेंट वॉकिंग, एंड देन आई मेट सम रैबिट एज आई वेंट वॉकिंग, एंड लास्ट में हो जाएगा आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी समझ में आ गया है। हमको क्या करना है, हमको सिंपल सा वो लेना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ही हमको क्या लेना है, ओपनिंग लाइन बोला है, मतलब कि जो शुरू लाइन है, ठीक है, आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, है ना, यहाँ पर तो आप क्या लिख लेंगे, है ना, आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, ये आपका क्या है, फर्स्ट लाइन है। सेकंड में क्या लिख लेंगे, आई मेट अ वुमेन एज आई वेंट वॉकिंग, आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, आई मेट अ सॉरी सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग, आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, ठीक है। बस यहाँ पर आपको सेम चीज़ें लिखनी है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, बाकी एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सम रैबिट्स, एंड देन लास्ट आप लिख लेंगे, आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉक, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, है ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पोएम से सेंटेंस लेना है और ये जो सॉरी वर्ड्स लेना है और सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट है आपका, द मैन वॉज गोइंग टू गेट सम ब्रेड, है ना, तो यहाँ पर क्या बोला है, जो मैन है वो कहाँ जा रहा था, ब्रेड लेने जा रहा था, कुछ ब्रेड लेने जा रहा था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सम ब्रेड। द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट सम हे, ठीक है, जो घोड़ा था वो कहाँ जा रहा था, सूखी घास लेने जा रहा था। द वुमेन वॉज गोइंग टू गेट सम बार्ली, ठीक है, जो वुमेन थी उसे क्या चाहिए था, बार्ली चाहिए था, उसके लिए वो जा रही थी। द रैबिट्स वर गोइंग टू गेट सम ओट्स, ठीक है, तो रैबिट्स कहाँ जा रहे थे, ओट्स लेने जा रहे थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है, ओके। चले फिर इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू फूड एंड पुट देम इन द वेब चार्ट गिवन बिलो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पोएम में देखा है कि बहुत सारे फूड के नेम्स आए हैं, तो यहाँ पर फूड है, यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, उसमें आपको लिखना है। तो ठीक है, वो जो मैन है वो क्या लेने गया था, ब्रेड, तो यहाँ पर ब्रेड। हॉर्स है ना, क्या लेने गया था, हे, ठीक है। रैबिट्स ओट्स लेने गए थे, और क्या बोलते हैं,
जो वुमेन है वो बाली, तो ये फूड से रिलेटेड कुछ क्या है वर्ड है आपके पोएम में, उन्होंने उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर लिया है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन से, तो वोकैबुलरी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर्स एंड कंप्लीट द राइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो पेयर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, पर्ल्स एंड कर्ल्स। ठीक है, पर्ल्स यानी होता है मोती, कर्ल यानी होता है आपका कर्ल, जैसे कर्ली हेयर बोलते हैं मुड़ा मुड़ा वैसा। फिर आता है फ्लावर्स, फूल, टॉवर्स यानी कि बड़े बड़े टॉवर्स जो होते हैं, बीट यानी कि मारना, ट्रीट यानी कि क्या बोलते हैं खाना देना, चीज़ यानी कि क्या बोलते हैं जो दूध का बना रहता है, और दीस यानी होता है बहुत। ठीक है, दीस का क्या है, ये प्रूलर है यहाँ, तो यहाँ। ठीक है, चॉइस यानी कि अपनी चॉइस, नॉइज यानी कि आपका क्या है, आपका हल्ला करना। ठीक है, तो इसमें से हमको पेयर दे दिया हुआ है, तो पेयर में हमको क्या करना है, एक वर्ड चूज करना है, राइमिंग वर्ड जो क्या कर सके, इसको सूट कर सके। जैसे यहाँ पर है द लिटिल गर्ल्स, है ना, द लिटिल गर्ल्स, छोटे जो गर्ल्स हैं, हैड टीथ लाइक पर्ल्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो दांत हैं वो कैसे हैं, मोतियों की तरह हैं। ठीक है, तो पर्ल्स हमने चूज़ किया, यहाँ पर कर्ल्स लिखते तो क्या ये गलत नहीं लगता आपको, राइमिंग कर रहा है, गर्ल्स एंड पर्ल्स, गर्ल्स एंड कर्ल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल्स। ठीक है, तो हमने चूज़ कर लिया क्या, पर्ल्स, द लिटिल गर्ल्स हैड टीथ लाइक पर्ल्स। सेकेंड है आपका द क्लाउड्स ब्रिंग सावर्स टू द थर्स्टी फ्लावर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो बादल है वो क्या कर रहा है, सावर कर रहा है, जैसे सावर में आप नहाते हैं ना, बारिश बौछार, वैसे वो बारिश की बौछार, सॉरी पानी की बौछार कर रहा है टू द थर्स्टी फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स के ऊपर, थर्स्टी यानी होता है प्यासा, प्यासा फ्लावर्स, है ना, मतलब फूल, प्यासे फ्लावर्स के ऊपर वो क्या कर रहा है, बारिश की बौछार कर रहा है। ठीक है, टावर्स की जगह यहाँ पर क्या फिट हो रहा है, फ्लावर्स। ठीक है, टावर्स भी होता बट उसमें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स ब्रिंग सावर्स टू द थर्स्टी फ्लावर्स। तो आपको आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा दे मूव देयर फीट टू द ड्रम्स लाउड बीट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो अपने पैर थिरका रहे थे जैसे जैसे ड्रम क्या हो रहा था, बज रहा था। तो फीट के साथ क्या अच्छे से राइम हो रहा है आपका, बीट, है ना। फिर आपका आता है नेक्स्ट, ही सेज ही एग्रीज विथ थोस बट नॉट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर उसने एग्री किया, वो चीज़ को माना, किसके लिए, थोस के लिए, विथ थोस मतलब उन लोग से, बट नॉट दिस, इन लोगों के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीज के साथ अच्छा जम रहा है आपका दिस, क्योंकि दोज एंड दिस यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है इसलिए। फिर नेक्स्ट आता है द मोस्ट नॉटी बॉयज मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉइज़ करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। तो यहाँ पर भी राइमिंग में क्या अच्छा जम रहा है आपका, नॉइज़। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो राइमिंग वर्ड है, पेयर है, उसमें से क्या चूज़ करना है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैच फ्रेजेज इन कॉलम ए विथ राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिग रेड हाउस, हमको फिर से राइमिंग ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिग रेड हाउस, वाइट टैनी माउस, ठीक है, ब्राउन फर कोट्स, न्यू ग्रीन नोट्स, गोल्डन डे लाइट, लिटिल ब्राइट काइट, है ना, डार्क क्लाउड स्काई, न्यू रेड टाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिग रेड हाउस, है ना, बड़ा सा लाल आपका क्या बोलते हैं घर, वाइट टैनी माउस, उसके साथ क्या हो रहा है, देखिए हाउस के साथ क्या हो जा रहा है आपका, माउस राइम हो जा रहा है ना, छोटा सा क्या बोलते हैं सफ़ेद कलर का चूहा, तो सही क्या हो जाएगा, बिग रेड हाउस, वाइट टैनी माउस। सेकेंड है ब्राउन फर कोट्स, है ना, मतलब कि क्या होता है, जैसे कि रैबिट्स के वाइट होते हैं तो वैसे ही ब्राउन फर कोट्स हैं, आप किसका बोल सकते हो, आप गोट का बोल सकते हो, काऊ का बोल सकते हो, है ना। कोट्स के साथ क्या राइम हो रहा है, नोट्स, है ना, न्यू ग्रीन नोट्स, मतलब कि क्या है आपका, न्यू हरा नोट्स। ठीक है, जो आप नोट्स बनाते हैं तो कोट्स के साथ नोट्स राइम कर रहा है। फिर आता है गोल्डन डे लाइट, लिटिल ब्राइट काइट, है ना, लाइट के साथ क्या आपका राइम कर रहा है, काइट, है ना, गोल्डन डे लाइट है मतलब कि जो डे लाइट है वो गोल्डन का है। फिर लाइट ब्राइट काइट, है ना, मतलब कि लिटिल, सॉरी लिटिल छोटा लेकिन क्या बोलते हैं उजाला वाला आपका क्या बोलते हैं पतंग। डार्क क्लाउड स्काई, न्यू रेड टाई, स्काई के साथ क्या राइम कर रहा है आपका, टाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, जो राइमिंग वर्ड्स है उसे सेलेक्ट करके क्या करना है हमको, मैच करना है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है हमारा ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। एज यू नो सम ऑब्जेक्ट कैन बी काउंटेड एंड सम नॉट। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। वी कैन काउंट ट्रीज एंड चेयर्स बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क एंड सैंड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हम ट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं, हम चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, बट क्या हम मिल्क और क्या बोलते हैं सैंड, धूल को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पिक आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस फ्रॉम द पोयम एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। तो आपको क्या करना है, जो भी काउंटेबल, काउंटेबल मतलब क्या होता है, जो आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जो आप गिन नहीं सकते हैं, तो आपका क्या बोलते हैं पोयम में बहुत सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या हुए हैं, चीज़ें मेंशन है। तो आपको क्या करना है, उसे चूज़ करना है और सही करेक्ट टेबल में आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि आपका काउंटेबल नाउंस में क्या है, मैन हम गिन सकते हैं, विलेज गिन सकते हैं, ब्रेड गिन सकते हैं, हॉर्स, वुमेन, रैबिट, पपी एंड हिल। ये सारे क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आराम से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन जब किसकी बात आती है, हे, बार्ली और ओट्स, ठीक है, ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया है, पोएम से चूज़ किया और उसके जो करेक्ट क्या बोलते हैं साइड है, उसमें हमने उसे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी में क्या बोला है, लिसन टू द पोएम एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर, सी अपेंडिक्स 1 लेसन 14, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लिसन करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, आपके टीचर जो भी बोलेंगे उसे सुनना है और फिर आपको उसको रिपीट करना है। तो चलिए पहले क्या, लिसन टू द पोएम एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो पोएम हमने रीड कर लिया, तो हमको क्या करना है, हमने पोएम पढ़ा, उसमें एनिमल्स के नेम मेंशन है, उसे हमको क्या करना है, यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमने कर लिया क्या, हॉर्स, रैबिट एंड पपी, ठीक है, ये तीन ऐसे नेम है एनिमल्स के जो मेंशन हुए हैं आपके किसमें, पोएम में। ओके, एंड देन देखिए, लिसन एंड कंप्लीट द टेबल एंड राइट हु डिड दैट। यहाँ पर लिखा ना अपेंडिक्स 1 आपका लेसन 14, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये प्यारा सा एक, आपको क्या दिया हुआ है, पोएम दिया हुआ है रिडल टाइप, जैसे हे डीडल डीडल द कैट एंड द फीडल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपका, हे डीडल डीडल, डीडल मतलब होता है चीट, है ना, मतलब कि किसी को धोखा देना। तो यहाँ पर बोल रहा है हे डीडल डीडल, ओके, रामिंग द कैट एंड द फीडल, ठीक है, जो बिल्ली है और क्या है आपका फीडल, फीडल मतलब होता है वायलिन, वायलिन यानी क्या होता है, एक जैसे गिटार होता है वैसे ही वायलिन होता है, ठीक है। फिर क्या है, द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सॉरी, जो काउ है ना, जो गाय है, वो क्या हो रहा है, वो चंदा के ऊपर से कूद के जा रहा है, और जो आपका क्या बोलते हैं लिटिल डॉग है, छोटा सा जो कुत्ता है, वो क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है। तो सी सच अ फन एंड द फिश रन अवे विद अ स्पून, ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो तो काऊ, काऊ क्या कर रहा है, चंदा के ऊपर से जम करके जा रहा है, तो लिटिल डॉग उसको मजा है ना, उसको लग रहा है कि ये तो सच में फन है, मजे वाली बात है, तो वो हंस रहा है। एंड द फिश रन अवे विद अ स्पून, ठीक है, और जो फिश है, जो मछली है, वो क्या कर रही है, भाग रही है, रन अवे मतलब भाग रही है किसके साथ, स्पून के साथ, चम्मच के साथ क्या कर रही है, वो भाग रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या हुआ, ये जो हमने अपेंडिक्स 1 लेसन 14 से दिया हुआ है, उसमें हमको लिसन एंड कंप्लीट द टेबल एंड राइट हु डिड दैट, ठीक है, आपको टेबल दे दिया हुआ है, कहीं पर फिश दिया हुआ है, कहीं पर लाफ दिया हुआ है, तो वो हमने जो पढ़ा है अभी, राइमिंग है ना, रिडल्स टाइप का कुछ हमने पढ़ा है, उसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और फिर क्या करना है, आपको बताना है कि किसने क्या किया है। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर काउ है, काउ क्या कर रहा है आपका, देखिए नेम्स है, एक्शन जो उसने काम किया है, काउ, काउ ने क्या किया है, मून के ऊपर जंप किया है, तो उसने जंप किया है, तो यहाँ पर जंप लिख देंगे। फिर आता है डॉग, डॉग इस नज़ारे को देख के क्या कर रहा था, हंस रहा था, तो यहाँ पर एक्शन वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। जो फीस है ना, जो फीस है वो क्या कर रहा है आपका, रन अवे, स्पून के साथ वो भाग गया, तो दौड़ रहा है, तो रन अवे, ठीक है। कैट क्या है, कैट एंड द फीडल, है ना, जो कैट है वो क्या है आपका, फिडल या फिर आप डीडल, है ना, डीडल मतलब होता है चीट, वो चीट कर रहा है, और क्या कर रहा है, फिडल, फिडल बॉलिंग है, तो वो बचा भी रहा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, वर्क इन पेयर्स, ठीक है, आपको एक एक जोड़ी बना लेनी है,
मेक सिमिलर डायलॉग्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड प्रैक्टिस देम विथ योर पार्टनर एज गिवन इन द एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डायलॉग्स आपको कुछ दिए हुए हैं, बॉक्स में कुछ वर्ड दे दिए हैं. जैसे क्या है, टी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, बिस्किट्स, खीर, जलेबी, समोसा, पोहा एंड लस्सी. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिए हैं, वर्ड्स दे दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्टनर बनाना है और आपको पूछना है वुड यू लाइक टू हैव सम टी. तो अगर आप पूछोगे उससे, है ना, क्या आपको चाय लेना पसंद है, तो वो बोलेगा अगर पसंद है तो यस प्लीज़, और नो थैंक यू, अगर नहीं चाहिए तो नो थैंक यू, अगर चाहिए रहेगा तो यस प्लीज़. ठीक है, ऐसे ही आपको वन बाय वन क्या करना है, पूछना है. जैसे टी का हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्या बोलते हैं खीर का. तो जैसे कि यहाँ पर हम पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वन बाय वन आपको पूछना है. ठीक है, तो अगर उसको चाहिए तो क्या बोलेगा, यस प्लीज़, नहीं चाहिए तो नो थैंक यू. फिर आता है आपका खीर, वुड यू लाइक टू हैव सम खीर, क्या आपको खीर लेना पसंद है, क्या आपको चाहिए, तो आप बोलोगे यस प्लीज़ और नो थैंक यू. एंड नेक्स्ट है आपका वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, क्या आपको कुछ आइसक्रीम चाहिए रहेगा आपके लिए लाए, तो अगर चाहिए रहेगा तो यस प्लीज़, नहीं चाहिए रहेगा तो नो थैंक यू. फिर क्या आ जाएगा, आइसक्रीम, वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक, वुड यू लाइक टू हैव सम मिल्क, वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट, वुड यू लाइक टू हैव सम क्या बोलते हैं जलेबी, वुड यू लाइक टू हैव सम समोसा, वुड यू लाइक टू हैव सम पोहा, वुड यू लाइक टू हैव सम लस्सी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो बेसिकली वुड यू आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे पूछ रहे हैं, है ना, और लाइक आपको पसंद है कि नहीं पसंद है. तो वुड यू लाइक टू हैव सम लस्सी, क्या आप लस्सी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम पोहा, क्या आप पोहा लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव वाटर, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं. अगर पसंद आएगा तो सब में क्या आ जाएगा, यस प्लीज़, एंड अगर नहीं आएगा, नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, है ना, नो थैंक यू, मतलब कि शुक्रिया पर हमको नहीं चाहिए, आप ऐसा करके रिप्लाई कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है. ओके, तो यहाँ पर हमारा होता है ये चैप्टर कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है इसमें. अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.